हमारे देशवासियों से बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फलस्तीन अरबों की ज़मीन है, जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है, ये गांधी ने कहा था। तो अब इसको इनको सामने रख कर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की ताईद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत यह है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है और फ़लस्तीनी ज़मीन वो लोग ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं। और इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन के कई रेजोल्यूशन है जो ये कहते हैं कि जो ऑक्यूपायर है वो फ़ौज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में जिस बर्बरियत के साथ गाज़ा में अब तक 21 लाख की आबादी गाज़ा में है, जिसमें से करीब 8 से 9 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, करीब 16-17 हज़ार बिल्डिंगें तोड़ी जा चुकी हैं, अस्पतालों पर बमबारी की जाती है, क्रिश्चियन अस्पताल है उस पर बमबारी की जाती है, जो हमारे ईसाई मज़हब का तीसरा मुक़दस जो चर्च है उस पर बमबारी की जाती है, और गाज़ा में 50 हज़ार महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है। तो ये सब जुल्म जो है वहाँ पर ये ज़ायनिस लोग कर रहे हैं। और हमने इज़राइल से सॉलिडारिटी के लिए एक स्टैम्प भी निकाला था, और आज भारत सरकार ये कह भी रही कि वो पैलेस्टाइन कंट्री के फेवर में भी है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि एक वहाँ पर जो लोग परेशान हैं, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उनको पहले एक कॉरिडोर बनना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें।